हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है कि आप अपने खाने को कैसे टेस्टी बना सकते हैं, कुछ अलग सा टेस्ट कैसे दे सकते हैं। क्योंकि परिवार में हमारे जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो सबको एक सा टेस्ट खा खा के सब बोर हो जाते हैं। सबको कुछ नया खाना चाहिए, जैसे कि होटल जाइए आप, रेस्टोरेंट में वो लोगों को सब्जी बहुत ही पसंद आती है, या किसी के घर कभी जाते हैं तो वहाँ वे जो खाना खाते हैं तो उसकी तारीफ होती है कि अरे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। तो होता क्या है कि आप जैसे एक ही तरह का खाना बनाते हैं तो वो टेस्ट अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो उनका तरीका कुछ और रहता है बनाने का, तो इससे टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो यही मैं ट्रिक बताऊंगी कि आप इस तरह से अगर अपने खाने को बनाएंगे, कुछ ट्रिक आजमा के, तो आपका भी जो खाने का टेस्ट है सब्जियों का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और सबको बहुत ही वो स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं करती हूँ कि कभी सब्जियों को काटने में, जैसे आप अगर कभी सब्जी काट रहे हैं, जैसे परवल ही काट रहे हैं, तो उसको काटने में भी अंतर कर देते हैं। तो जैसा आपको जितना जैसे बनाना हो उस हिसाब से आप परवल ले लीजिए और उसको धुलकर साफ़ कर लीजिए, और आप इसको दो टुकड़े में ऐसे लंबे पीसों में काट लीजिए। तो सारे परवल को मैं इसी तरह लंबे लंबे पीसों में काट लूँगी, और इसके साथ मैं आलू भी काटूँगी। अगर आप आलू परवल बना रहे हैं, या चाहे कभी अगर परवल चाहे केवल तो परवल भी बना सकते हैं। मैं इसमें आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे केवल परवल नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आप काटेंगे तो इसका जो स्वाद है बिल्कुल चेंज आएगा। अब हमें करना है कि जैसे मैंने कुकर में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और हरी मिर्च, और इसके साथ लंबे लंबे पीसों में मैंने प्याज भी काटे हैं। एकदम रफली चॉप कर लीजिए प्याज, और इनको हल्का सा भून लीजिए। बस इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसे थोड़ा देर आप भून लीजिए, थोड़ा सा ये गुलाबी कलर हो जाए बस उतना भूनिए। फिर उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और आपके पास जो मसाले हो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें हल्दी, मिर्चा और गरम मसाला और धनिया पाउडर इसमें डाला है। तो ये मसाले डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और इसमें आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। तो दो मैंने टमाटर लिया, उसको ऐसे रफली चॉप कर लिया है, और इन्हें भी डाल के बस आप 1 मिनट तक ही भूनेंगे। और फिर जो आपने आलू और परवल काट के रखे हैं इसे मैंने बिल्कुल भुना नहीं है, ये मैं इसी तरह सादा ही बना रही हूँ। तो ये इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो इसका भी टेस्ट बिल्कुल अंतर आएगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से भी आप ये आलू परवल की सब्जी बना सकते हैं। बस हल्का सा इसको जैसे मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए, और इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डाल के फिर आप इसको जैसे कुकर आप बंद कर दीजिए, और 3 से 4 विसल आने तक पकाइए। बस ये सब्जी बन के रेडी हो जाएगा और खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं बताती हूँ कि मैं परवल की ही सब्ज़ी मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो जैसे मैंने इस तरह गोल गोल ऐसे मैंने पीसों में काट लिया है, और इसके साथ मैंने आलू भी काट लिया है। अब मैं इन्हें ऑयल में डाल के फ्राई करूँगी। इन सब्जियों को मैंने, परवल जो है और आलू, तो इनको मैं फ्राई करके बनाऊँगी। तो एक तो मैंने सब्जी बनाया, उसको काटा भी अलग तरीके से और बिना फ्राई किए बनाया, तो उसका टेस्ट अलग हुआ। और ये मैंने जो परवल काटा इसका भी, इसे भी मैंने गोल गोल जैसे काटा, और इसको मैं फ्राई करके सब्जी बनाऊंगी, तो उसका भी टेस्ट अलग हुआ और इसका भी टेस्ट अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने जैसे न्यूट्रिला की सब्ज़ी बनाई, और न्यूट्रिला की सब्ज़ी मैंने जैसे पानी सोख करके रख दिया, उसका पानी निचोड़ लिया, और इसके साथ आलू भी मैं डाल के बनाती हूँ। तो आप पहले ऑयल डाल दीजिए कढ़ाई में, और ये न्यूट्रिला है, आलू है, इनको फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई करके आप सब्ज़ी बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी अलग सा आएगा, और बिना फ्राई किए भी बनाएंगे तो उसका भी अलग सा टेस्ट आएगा।
तो आप इस तरह सब्जियों में चेंज करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर इसको मैंने प्याज जैसे लिया, दो बड़े साइज़ का प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया और थोड़े से लहसुन डाल दिए और थोड़े से अदरक। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी खड़े। तो पहले मैंने काली मिर्च थोड़ा सा डाल दिया, और आप जीरा डाल दीजिए, और फिर इसमें लौंग है, इलायची है, ये डाल दिया, थोड़ी सी दालचीनी एक टुकड़ा डाल दीजिए, और इसमें एक बड़ी इलायची काली वाली डाल दीजिए, और इसमें जैसे मेरे पास खड़ा धनिया नहीं था तो मैंने पिसा हुआ धनिया ही इसमें डाल दिया है। आपके पास अगर खड़ा धनिया होगा तो खड़ा धनिया ही डालिएगा। और इनको मैं सारे चीज़ों को डाल के एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। तो जैसे ये हुआ कि ये जो ताज़े मसाले आप अगर पिस के बनाएंगे तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, और जब ये सब्जी आप मसाला भुनेंगे तो इसका खुशबू जो पूरे घर में फैल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ग्राइंड करके मसाले बनाएंगे तो इसका भी टेस्ट में बहुत ही अंतर आएगा। तो जैसे अब न्यूट्रेला और आलू मेरा फ्राई हो गया है, तो जो मैंने मसाले ग्राइंड किए थे, प्याज लहसुन और जो सारे खड़े खड़े मसाले थे, तो अब इसको मैं ऑयल में थोड़ा सा हींग डाल के और इसमें जो मसाले ग्राइंड किए हुए हैं सारे आप इसमें डाल दीजिए और इनको भून लीजिए। तो इसको भून के बनाने में इसका बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है, और इसमें आप जैसे हल्दी पाउडर डाल दीजिए और लाल मिर्च पाउडर इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, तो इससे भी आपका सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, बस इस मसाले में जब ऑयल रिलीज़ होने लगे तो आप इसमें न्यूट्रेला और आलू जो है आप इसमें डाल दीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा सब्जियों में पानी मैं गरम करके डालती हूँ, क्योंकि पानी गरम करने से हमारी जो सब्जियाँ हैं तो वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं, और अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो जो हमारा पकने का प्रोसेस जो है ना तो वो ज़ीरो हो जाता है। अगर ठंडा पानी डालते हैं फिर से वो पकता है तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और टेस्ट में भी अंतर आता है। तो ये देखिए, मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी डालने से ये जल्दी कुक हो जाएंगे और स्वाद भी अच्छा लगेगा। तो ये सारे ट्रिक अपना के आप अपने सब्जियों का जो टेस्ट है, अलग अलग तरीके का टेस्ट आएगा सारी सब्जियों में। तो आप इसमें जैसे नमक डाल के इसको ढक दीजिए, तो बस इसका मतलब 5-10 मिनट में आपकी ये सारी सब्जियां बनके एकदम रेडी हो जाएगी। अब मैं करती हूँ कि जैसे कभी सब्जियाँ जैसे तड़के लगाते, कभी खड़े मसाले का आप तड़का लगा दीजिए, तो खड़े मसाले का भी तड़का देने से सब्ज़ी का टेस्ट अंतर आता है। और ये देखिए, मैंने एक सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी बनाई तो उसमें मैंने बहुत ही बारीक प्याज को काट लिया, तो ये प्याज के जैसे मैंने बारीक काटा तो इसको भी आप टेस्ट में अंतर ला सकते हैं। और फिर मैंने एक प्लेट में हल्दी डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, और जो मैं घर पे मसाले बनाती हूँ वो 1 स्पून करीब डाल दिया, और मैं मार्केट से भी जो मसाले लाती हूँ, जैसे मैं टेस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाती हूँ। तो ये एवरेस्ट का मैं मसाला लाई थी, मीट मसाला, तो थोड़ा सा इसको डाल देंगे तो बिल्कुल हटके स्वाद आएगा सब्जियों का, जैसे लगेगा कि आप रेस्टोरेंट का सब्जी खा रहे हो। तो इस तरह से भी आप मसाले में चेंजेस लाके आपके सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस तरह से आप सब्जियां बनाएं, इसमें फिर आप जब प्याज हल्का फ्राई हो जाए तो उसमें आप टमाटर प्यूरी डाल दें, कभी आप टमाटर काट के डालें तो कभी प्यूरी बना के डालें तो भी टेस्ट अंतर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बहुत से तरीके हैं आप को अपनी सब्जियों का टेस्ट चेंज करने में। और जैसे होटल में आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो जैसे सब्जियां खाते हैं तो वहाँ की ग्रेवी बहुत आपको थिक लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो बस ये तरीका रेस्टोरेंट वाले अपनाते हैं कि उसमें आप 2 स्पून करीब बेसन डाल दीजिए मसालों के साथ में, तो ये मसालों के साथ में बेसन भुन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और कभी कभी तो मैं करती हूँ कि जैसे मसाले हैं,
मार्केट मसाले, आप घर में जो मसाले बनाते हैं वो भी, और जैसे बाजार के मसाले भी आप कभी ले आइए, और बाजार के मसाले ले आइए तो अलग अलग कंपनियों के मसाले ले आइए। और जब भी जैसे कोई सब्जी बनाई, कभी कोई कंपनी का मसाला डाल दिया, कभी किसी कंपनी के मसाला डाल दिए, तो इससे भी आपका टेस्ट में बहुत ही अंतर आएगा। और जैसे होटलों में होता है कि जब भी वो सब्जी बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा उसमें बेसन डाल दीजिए, तो बेसन डालने से आपकी ग्रेवी भी एकदम थिक गाढ़ी बनेगी और उसका टेस्ट भी बहुत ही चेंज सा आएगा। तो ये सारे आप तरीके अपना के आप अपने सब्जियों को बिल्कुल अलग अलग सा टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक आजमाइए और सबको खुश करिए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।